नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो बिहार का चौसर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में मुखियाओं की परेशानी बढ़ने वाली है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में कैबिनेट ने पंचायत के विकास कार्यों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है, जिसके अनुसार अब पंचायत में होने वाले विकास कार्य बिना टेंडर के नहीं होंगे। इस फैसले के बाद अब 15 लाख से कम राशि वाले विकास कार्य के लिए भी टेंडर जरूरी हो गया है। शुक्रवार को ही बैठक में नीतीश सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल को कैबिनेट में स्वीकृति दी। फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि इसको लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं थी। नीतीश सरकार के इस अहम फैसले से मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती हो जाएगी। बता दें कि अब तक पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में 3 स्तरीय पंचायत के कर्मचारियों को अभिकर्ता बनाया जाता था और कराए गए कार्यों के लिए राशि का भुगतान मुखिया, पंचायत सचिव, प्रमुख, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की स्वीकृति से किया जाता था। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इसको लेकर आगे कहा कि विभागीय कर्मियों को योजनाओं का अभिकर्ता बनाए जाने से वे पंचायत से जुड़े अन्य उत्तरदायित्व के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। वहीं जांच के दौरान खराब गुणवत्ता एवं अन्य वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर विभागीय कर्मियों को कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है। इस मामले पर कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि 15 लाख तक की योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत समिति हेतु पंजीकृत स्थानीय अभिकर्ताओं के माध्यम से कराया जाएगा। बता दें कि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति हेतु पंजीकृत अभिकर्ता से टेंडर मंगाए जाएंगे और न्यूनतम बोली वाले अभिकर्ता से कार्य कराया जाएगा। किसी एक अभिकर्ता को किसी एक वित्तीय वर्ष में एक साथ अधिकतम 2 कार्य ही दिए जाएंगे। योजनाओं को पूरा करने के लिए अधिकतम अवधि भी अब निर्धारित कर दी गई है, जिसके तहत 15 लाख तक के कार्य 6 महीने में करने होंगे और 15 से 50 लाख तक के कार्य 8 महीने में पूरे करने होंगे। वहीं 50 लाख से 1 करोड़ तक के कार्य 10 महीने में पूरे करने होंगे, जबकि 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के कार्य 12 महीने में पूरे करने होंगे और 2 करोड़ से 15 करोड़ तक के कार्य 15 माह में पूरे करने होंगे, जबकि 5 करोड़ से अधिक के कार्य 18 महीने में पूरे करने होंगे। तो देखिए, कैबिनेट की बैठक जो हुई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक थी, इसमें ये सब बिल को पारित किया गया है और जो मुख्य सचिव है सिद्धार्थ, उनके तरफ से पूरी तरह से बातें बताई गई है कि किस कार्य की कितनी अवधि होगी, किस बजट के कार्य को कितने महीने में पूरा किया गया है, इसको लेकर भी पूरी तरह से गाइडलाइन जारी की जाएगी। हालांकि अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। पहले ऐसा देखा जाता था कि कुछ ही लोग इन पूरे कार्यों में संलिप्त होते थे और मुखिया अपने मन के अकॉर्डिंग किसी को भी कार्य सौंप देते थे और जो टेंडर का कार्य होता था उसकी गुणवत्ता में कमी देखी जाती थी। पंचायती राज विभाग ने एक पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल की स्वीकृति दी है। अभी आज के दिन में जो पंचायती राज में जो योजनाएं संचालित हैं और जो पंचायत में मुखिया और उसके पंचायत सचिव हैं, आज के दिन में कोई ऐसा कोई विशेष गाइडलाइन नहीं है और स्थानीय स्तर पर भी मतलब कंप्लेंट्स प्राप्त होती थी। अब यह है कि 15 लाख के अंतर्गत जो राशि है, जो एस्टिमेट्स होंगे, उसका कार्यान्वयन कैसा होगा, उसमें जो स्थानीय अभिकर्ता हैं उनका पैनल बनेगा, उनके बीच में बिड होगा और उसके बाद उनका अवार्ड होगा, और 15 लाख से ऊपर जो है जो बिड होंगे वह उसका रेगुलर बिड होगा। 15 लाख के नीचे भी जो राशि है उसमें सुरक्षा सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगी, EMD क्या होगी, ऑनलाइन पेमेंट की क्या व्यवस्था होगी, तो पूरा डिटेल है जो पंचायती राज निर्माण कार्य मैनुअल है उसकी स्वीकृति दी गई है। और एक व्यक्ति पर ज्यादा काम का प्रेशर होता था जिसके वजह से उन पे भी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है और एक समय तय किया गया है कि एक व्यक्ति को साल में 2 ही टेंडर दिया जाएगा, उससे ज्यादा टेंडर नहीं दिया जाएगा, ताकि कार्य की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। साथ ही बोली भी लगाई जाएगी कि कौन से टेंडरकर्ता कितनी बजट में उस काम को पूरा करेंगे और जिसका बजट सबसे कम होगा उसे ही इस काम को दिया जाएगा। तो अगर ऐसा वाकई में हो जाता है और पूरी तरह से गाइडलाइन हो जाती है तो अब मुखिया और वार्ड पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि वह अपने मन के मुताबिक ना किसी से पैसा ऐंठ पाएंगे ना ही अपने करीबियों को ज़्यादा टेंडर दे पाएंगे। तो आप सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल TV बिहार। धन्यवाद।